हेलो सर सर मैंने सबमिट कर ली है लेकिन उसमें टाइम आ गया है कि दो मिनट मैंने बाद सबमिट किया ओवर ड्यू तो वो मेरा जो है ना सर्वर स्टॉप हो गया था तभी वो दो मिनट हो गए एक्स्ट्रा ठीक है जी सर तो ये है कि हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बाकी इश्यूज बाद में डिस्कस करेंगे एंड वेलकम क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कश्मीर, कश्मीर इशू कश्मीर कश्मीर है वेरी गुड आज का हमारा जो टॉपिक है वो कश्मीर इशू से रिलेटेड है और हम देखेंगे कि पाकिस्तान <coughs> का ये जो कोर इशू है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में और पाकिस्तान के रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट में तो हम कोविड ऑनलाइन क्लासेस का जो लेक्चर नंबर थ्री कर रहे हैं डेट इज कश्मीर इशू एक बंदा है जिसका नाम है कश्यापा इसने जो है रिक्लेम किया था कश्मीर को और फिर बाद में इसी के नाम से आ, कश्मीर का जो है नाम पड़ा कशिया पमर एंड फिर बाद में जो है जो आज हमारे पास है डेट इज़ कश्मीर तो सबसे पहले कश्मीर की बुनियाद इस बंदे ने रखी थी और फिर इसी के नाम से कश्मीर का नाम कशिया पमर है और फिर बाद में जाकर ये कश्मीर बना आपने अशोका द ग्रेट का नाम सुना होगा सुना है ये सर, ये सर। हाँ तो अशोका का नाम सुना है आपने अशोका no, no, <laughs> बेटा ये वैसे तो हिंदू मजहब से ताल रखता था लेकिन इसने बुद्ध मजहब अख्तियार किया था और अशोका ही ने क्योंकि ये मूरिया डायनेस्टी से ताल रखने वाले थे तो चंद्रा गुप्ता मूरिया के खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये अशोका है जिसने फिर बुद्ध मज़हब की बुनियाद रखी थी कश्मीर में ठीक है जी जी सर तो इसने रखी थी बुद्ध मजहब की बुनियाद अशोका ने कोई तीन सेंचुरी बी सी ई में बिफोर कॉमन एरा और फिर इसकी जो आपके नाइन टू ट्वेल्व सेंचुरी है 19वीं जो नौ से लेकर बारह तक की जो सदी है उसमें फिर हिंदू आ गए कश्मीर में और फिर यहाँ पर हिंदू कल्चर रहा और उसके बाद फिर हिंदू जो है ये चाहे आपके 1346 तक और फिर इनको 1346 में आकर रिप्लेस किया मुस्लिम्स ने और मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत चलती रही और इनको आकर रिप्लेस किया सिखों ने 1819 में तो इस तरह जो है पूरे कश्मीर पर इनिशियल हम बात कर रहे हैं 1819 में आकर जो है यहाँ पर सिखों की बुनियाद सिखों ने यहाँ पर हुकूमत शुरू की हमने सैयद अहमद शहीद के बारे में पढ़ा था याद हो अगर किसी को दो जी सर तो, वो कौन थे और इसमें रोल क्या है ये हमें पता नहीं वो तीन साल उसके साथ थे ब्रिगेडियर के साथ और फिर उसने दोस्ती कर ली थी अंग्रेजों से उसने छोड़ दिया उसको और फिर इसने जहाज की तैयारी की चालीस आदमियों के साथ सही है इसने बेटा किस के खिलाफ जिहाद करना था उसने सिखों के खिलाफ जिहाद किया था अभी देखें कि उस वक्त क्या था आपका जो पिशावर था वो भी सिखों के कब्जे में था ठीक है जी और आपका पंजाब जो है वो भी सिखों के कब्जे में था तो इस तरह इन्होंने क्या किया था जंग लड़ी थी सिखों के खिलाफ ताकि मुसलमान जो वहां पर रहते हैं उनका रूल कायम हो क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि 1346 में आकर मुस्लिम्स का रूल रहा और फिर 1819 में आकर सिखों ने इस रूल को रिप्लेस किया है तो सैयद अहमद शहीद की जो कोशिश थी वो ये थी कि इनके सिखों के रूल को ख़त्म करना और मुसलमानों का रूल जो है वो फिर से कायम करना फिर क्या हुआ कि आप आपकी 1845 में एंग्लो सिख वार होती है अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान जंग और इस तरह फिर आपका जो पंजाब है उस पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का और उन्होंने एक टीटी जिसका नाम अमृतसर है वो साइन की थी और इस टीटी के अमृतसर के साइन करने के साथ जो उस वक्त के राजा थे सिखों के राजा गुलाब सिंह उनका नाम था तो राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर परचेज किया था फिर से ब्रिटिश सेवन पॉइंट फाइव मिलियन नानकशाही नानकशाही उस वक्त जो उनकी करेंसी थी सिखों की उसको नानकशाही कहा जाता था तो 7.5 मिलियन नानकशाही में इन्होंने उनसे परचेज किया था और फिर इस तरह जो डोगरा रूल है सिख रूल है वो कायम रहा गुलाब सिंह से लेकर हरी सिंह तक ये वो हरी सिंह है जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ और इस तरह फिर आपका ये चला गया आ, आ, कश्मीर जो है वो इंडिया के पास चला गया अब आ, जब ये जंग चल रही थी तो उस वक्त दिलीप सिंह थे जब एंग्लो सिख वार चल रही थी तो तब दिलीप सिंह थे जो कि छोटे थे और फिर उनकी माँ मदर जो है जिनका नाम कौर था वो फिर आ, कश्मीर की, को, आ, को आ, के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको हैंडल कर रही होती थी तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट जो है अमृतसर ट्रीटी के नाम से साइन की थी और फिर कश्मीर जो है उनको वापस दिया गया था अब देखें ये जो कश्मीर आ, सिखों को वापस दिया गया हालांकि बर्तानिया की गवर्नमेंट चाहती तो वो कश्मीर यहाँ पर रख सकती थी लेकिन यहां पर ऊपर जो है अभी तो आपके पास यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है ठीक है अभी एक सेपरेट स्टेट है हमने पढ़ा कि 1979 में जब रशिया ने अटैक किया और 1990 में रशिया टूट गया तो उससे 16 स्टेट सेपरेट हो गई जिसमें से छह स्टेट मुस्लिम स्टेट्स थी जिसमें तुर्कमिस्तान उजबेकिस्तान वगैरह वगैरह थी तो इस तरह जो है ऊपर जो है रशिया था हम 79 से पहले की बात कर रहे हैं तब रशिया था यानी कि तुर्कमेनिस्तान रशिया का हिस्सा था और इस तरफ था चाइना तो उस वक्त यहां पर पूरे हिंदुस्तान में बरतानिया की हुकूमत थी और बरतानिया चाहता था कि यहां पर कश्मीर में सिखों की गवर्नमेंट रहे और ताकि ये चाइना और रशिया के अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करती रहे ठीक है जी और फिर बाद में जो ये जो रीजन्स हैं आपके एक है ये वाला इलाका जो जिसको हम लद्दाख कहते हैं तो एक लद्दाख वाला आपका रीजन है और दूसरा है आपका ये वाला जो यहाँ पे पाकिस्तान ने दिया था उस वक्त बर्तानिया ने इन दो रीजन की टेरिटरीज़ को डिफाइन नहीं किया था चाइना के साथ तो फिर ये इशू जो है वो बाद में रहा आपका और इस तरह इन्होंने इनको दोनों स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो है आपकी जीबी बी यहाँ पर इस जीबी को उन्होंने 1889 को एक एजेंसी के तौर पर जो है रखा एक ब्रिटिश एजेंट के अंडर एक एजेंसी के तौर पर रखा ताकि रेजिस्टेंस होती है तो वो हैंडल करें और अफेयर्स को मैनेज करें और इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो ब्रिटिश को सेंड करते रहे तो इस तरह ये जो है इसका फिर जब बर्तानिया वाले चले गए तो पीछे आपने देखा यहां पर कि ये जो पूरा हिंदुस्तान है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था आपका ब्रिटिश इंडिया जो येलो कलर में शो किया गया है ये प्रोविंसेस हैं ठीक है जी और प्रिंसली स्टेट्स जो कि ये यह है प्रिंस आपकी हैदराबाद है और ये कश्मीर वगैरह ये सारी रियासतें हैं तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास चॉइस नहीं थी सिर्फ चॉइस क्या थी एक चॉइस ये है इंडिया और दूसरी चॉइस जो है इनके पास है पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान में से किसी भी एक स्टेट को उनको ज्वाइन करना था तो उस वक्त बहुत सारी स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया लेकिन कश्मीर जो है वो स्टेट ज्वाइन नहीं कर पाई हैदराबाद स्टेट ज्वाइन नहीं कर पाई तो इस तरह फिर जो है ये कश्मीर का इशू रहा अब ये जो अनजस्टिस हुए हैं ये हुए है आपके रेड क्लिफ की वजह से देखें हम इसमें जो मेन इशू है वो है आपका गुरदासपुर हाँ जी चलें अब देखें कि ये जो गुरदासपुर है ये जो गुरदासपुर है ये वाला इलाका हम डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम्स में कि गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दिया गया इससे फिर क्या हुआ कि वो इजीली इंटर हो गए इंडिया में इंडिया की फोर्सेस जो है वो इंटर हो गई कश्मीर में और फिर इस तरह जो है ये फिर आपकी बाद में जो जंग लगी है और जो फायर हुआ है वो सारी चीजें बाद में होंगी हैं। तो मेन जो चीज है वो है आपकी रेड के लिए एवॉर्ड है जिसकी वजह से आपका ये इशू रहा तो ये जो अनजस्टिस हुए हैं रेड के लिए एवॉर्ड की वजह से इस, इस इन अनजस्टिस की वजह से आज तक हमारे पास कश्मीर का इशू चलता हुआ आ रहा है और दूसरा आपका है ये जो फेरोजपुर के हेडवर्क्स थे और मधुपुर के जो हेडवर्क थे ये थी ये हमने इनको पहले भी मैप में देख चुके हैं हम देखें ये आपका पूरा फिरोजपुर का जिला है जो कि पहले बाउंड्री क्या थी पहले ये बाउंड्री थी लेकिन बाद में पाकिस्तान की ये बाउंड्री बन गई तो ये जो फॉल्स रेड क्लिफ लाइन है वो फिर इस वजह से अनजस्टिस की वजह से पाकिस्तान को फेरोजपुर नहीं मिला और फिर इसी आ, में आपकी जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है जिससे वो फिर इंटर हो गए अब फेरोजपुर और मधुपुर के हेडवर्स जो है मेन रिवर्स जो है वो भी इनकी वजह से आपके शिफ्ट हो गए ठीक है जी जी अब हम बेग चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे अब देखें तो इनकी वजह से हमारे पास जो है इशू चला एक तो आपका कश्मीर का और एक कश्मीर का और दूसरा ये जो हेडवर्क्स उसको मिल गया इसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस भी चले हैं जो 1960 में पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से एक ट्रीटी साइन की थी और उससे फिर पाकिस्तान को तीन दरियाओं का पानी और तीन दरियाओं का पानी इंडिया को दिया गया था हमने देखा था कि इंडियन एक 1935 में कहा गया था कि अगर कोई भी प्रस्ती स्टेट क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंस की चॉइस नहीं है तो कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर किसी भी स्टेट चाहे वो आपकी पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो अगर ज्वाइन करना चाहती है तो वो क्या करेगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेगी लेकिन अब यहां पर हरी सिंह का रोल आता है कि हरी सिंह ने क्या किया उसने एक टेक्टिक यूज की और वो कर रहा था इस मसले को डिले उसकी सोच के मुताबिक अगर मैं डिले कर देता हूँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि बरतानिया यहाँ से चला जाएगा तो कश्मीर जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देगा और फिर बाद में जब इंटरनल क्राइसिस हुए और फिर जो मसूद कबीले के लोग थे और फिर जो इंडिया की आर्मी वहाँ पर पहुंची तो उनकी वजह से जंग शुरू हुई कश्मीर की 1947 में और ये जंग जो है आपके नाइन तक चलती रही इस जंग के नतीजे में फिर आपका जो है वो कश्मीर जो है वो इंडिया कंट्रोल करके ले गया पाकिस्तान से और जुलाई में जो है कश्मीर में सीज फायर डिफाइन किया गया कि ये सीज फायर है और उसे बाद में एलओसी का नाम दिया गया ये वो लाइन है जिसे हम आज एलओसी कहते हैं लेकिन इसे पहले फायर लाइन कहा जाता था इससे पहले फायर लाइन कहा जाता था तो अभी जो बाद में इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो वार होती है 1962 वाली इसमें इंपॉर्टेंट है 1962 वाली. 1962 वाली क्योंकि में चाइना और इंडिया के दरमियान में होती है जंग अब उस मामले पर पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया और ये वाला शख्स ग्रम वाला जो पार्ट है वो हाँ, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को और यहाँ पे है आपका ग्लेशियर सियाचिन उसकी हम बाद में बात करते हैं तो 1962 में वार हुई और फौरनली जब तीन साल के बाद फिर पाकिस्तान की वार होती है इंडिया के साथ और ये जितने भी पाकिस्तान की वॉस हुए हैं वो सारी की सारी जो है वो इस कश्मीर इशू को लेकर हुई है तो इस तरह फिर आपकी जो 1965 में आपकी वार होती है विद द इंडिया तीन साल के बाद माइनस टू नाइनटीन में चाइना ने जंग की और फिर 1965 में आपके पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जंग की है फिर इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो है वो जनवरी टेन नाइनटीन को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत आपका जो है इन दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग खत्म हुई थी फिर बाद में हमारा जो 1971 वाली बार आ जाती है 1971 वाली बार भी आपकी इस कश्मीर की वजह से हुई है और इंडिया ने जाकर यहां पर आपके जो बांग्लादेश है उसको जाकर उन्होंने सपोर्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान और यहां पर फिर बांग्लादेश आपका जैसे ही सेपरेट हो जाता है तो हमने इनके साथ साइन किया था शिमला एग्रीमेंट ठीक है जी बेटा ओके <गण> इसके अलावा पाकिस्तान पाकिस्तान इसके अलावा कश्मीर में बहुत सारी और मूवमेंट्स भी चलती रही हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स भी चलती रही हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कश्मीरियों ने बनाई हुई हैं लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो कि कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करना चाहती हैं हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो कश्मीर आपका कश्मीर है वो टोटल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है जी छह चार कमलेश बताया था पाकिस्तान में कितने हिस्से हैं इसके सर या या पाकिस्तान पाकिस्तान में हैं। में हैं सर एक ही है ना पाकिस्तान में एक है अच्छा पाकिस्तान में दो हैं पाकिस्तान में दो बेटा एक है आपका ये जीबी गिल बल्तिसान थीके? और दूसरा ये है आपका आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर ठीक है और जम्मू कश्मीर जो है ये आपका आता है इंडिया में एक है आपका जम्मू और दूसरा है लद्दाख कश्मीर तो तो इससे हिस्से तो यहां पर है फिर इसी तरह चेन और शख्स ग्राम ये दो हिस्से जो है वो चाइना में है तो क्यों क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियली जब बर्तानिया वाले थे तो उन्होंने चाइना के साथ टेरिटरीज डिफाइंड नहीं की थी ये जो लद्दाख वाला रीजन है इस 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 रीजन में ये लद्दाख वाले पूरे इस रीजन में इन्होंने टेरिटरीज को, को डिफाइन नहीं किया था जिसकी वजह से फिर बाद में ये जो इश्यूज क्रिएट हुए वो बाद में हुए हैं अभी भी इस बॉर्डर पे यहां से लेकर यहां तक और पूरे कश्मीर में नौ लाख ,00 के करीब जो है इंडिया की फोर्सेस हैं जो कि पूरे कश्मीर को कंट्रोल करती हैं चले जी अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है हमने अभी जिक्र किया 1947 की वार का तो जैसे 1947 की वार हुई है तो फिर जुलाई 1949 को जैसे ये जंग खत्म हुई तो कराची में एक एग्रीमेंट किया गया ये जो है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आई नाइन थर्टी नाइन अप्रैल 1948 में ये रेजोल्यूशन आई है इस रेजोल्यूशन के तहत एक कमीशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये कश्मीर के जो मसाइल हैं जो इश्यूज हैं उनको देखेगी और दोनों मुल्कों को ऑब्जर्व करेगी कि कौन जो है राइट्स uh, को जो कश्मीर के राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं कर रहा फिर डिसाइड uh, किया गया कि 31 दिसंबर जो है 1948 को जंग बंद होनी जानी, हो जानी चाहिए। तो ये उस वक्त डिसाइड किया गया था आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से और फिर uh, पाकिस्तान में कश्मीर uh, कराची के शहर में एक सीज फायर सीजफायर यानी कि जंग बंदी जंग बंदी जंग बंद करने का एक माहिदा तय पाया गया और ये 27 जुलाई 1949 को कि, किया गया था श्री नागेश जो है ये इंडिया की तरफ से थे मैं लिख दू नागेश और काथोन जो है ये पाकिस्तान के तरफ से थे मेजर जनरल और ये लेफ्टिनेंट जनरल थे तो इन दोनों की वजह से और दूसरा जो आपकी ये जो कमीशन इन्होंने बनानी थी इस कमीशन यानी कि यू एन सी आई पी जो है इस कमीशन के भी दो मेंबर थे एक हर्नेंडो के नाम से था और दूसरा है आपका डेलवोई के नाम से तो ये जो है इस दो कमीशन की तरफ से थे जिन्होंने कराची एग्रीमेंट कराची एग्रीमेंट क्या है ये जो आपके 1947 में कश्मीर में पहली जंग लड़ी गई और इसके नतीजे में पाकिस्तान के हाथ आया जी बी और आजाद कश्मीर ठीक है जी तो उसको खत्म करने के लिए कराची में एक एग्रीमेंट किया गया था और उसके फौरन बाद यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक आईओ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा इसका इसको हम आई आर में डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन आपने इसका नाम सुना होगा यूएन का नाम यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली काम कर रही होती है और दुनिया में टोटल कंट्रीज़ हैं आपके 193 जो इसके मेंबर्स हैं उसमें से दो स्टेट्स ऐसी हैं जो यूएन के मेंबर नहीं है अल दो आपके पूरी दुनिया में 95 195 कंट्रीज हैं ठीक है जी उसमें से 193 कंट्रीज जो है आपके यूएन के मेंबर हैं दो जो है एक आपका रोमन कैथोलिक और दूसरा आपका फलस्तीन जो है ये इसके ऑब्जर्वर्स हैं मेंबर्स नहीं है तो 13 अगस्त 1949 को यूएन ने एक रेजुलेशन पास की इस रेजुलेशन को आप 13 अगस्त रेजुलेशन भी कह सकते हैं इस रेजुलेशन के तीन पार्ट थे एक पार्ट पाकिस्तान से डील करता है और दूसरा पार्ट इंडिया से और तीसरा पार्ट जो है वो आपका कश्मीर से डील करता है इसमें ये था कि ये जो 13 अगस्त को आपका ये रेजोल्यूशन जो पास हो रही है 13 अगस्त को तो इसके चार दिन के अंदर सीज फायर हो जाना चाहिए जंग जो है वो बंद होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तो कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों कंट्रीज आर्मी यूज नहीं करेंगे और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया और पाकिस्तान अपॉइंट की जाएगी ठीक है जी इसके अलावा दोनों कश्मीरों के एक इंडियन दरुपाइड कश्मीर और दूसरा आपका पाकिस्तान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कश्मीर इन दोनों कश्मीरियों में जो सिविल पॉपुलेशन रहती है तो यह देखना लाजमी है कि इनके दरमियान कोई जंग ना हो तो इन दोनों को ठंडा करना इनको आ, अपनी आवाम को अपील करना कि पीस को मेंटेन करें ये दोनों रियासतों की जिम्मेदारी होगी तो ये जो है आ, आ, था आपका आ, पार्ट वन देन हम पार्ट टू की बात करते हैं तो इसमें ये जो है आ, पार्ट टू में पाकिस्तान ने एग्री किया कि हम जो है आर्मी निकाल देंगे ठीक है जी और फिर बाकी जो फाइटर्स थे जिसकी हम मैं मसूद कबीले की बात कर रहा था और हमने बात की थी कि सैयद अहमद शहीद जब हमने इसको पढ़ा था तो सैयद अहमद शहीद के भी कुछ लोगों ने कश्मीर में जंग लड़ने की जंग लड़ी थी तो इनको जो है अपना ये करेंगे फौजें ये यहां से पाकिस्तान निकाल देगा और उसके बाद फिर जो आजाद कश्मीर है पाकिस्तान के अंडर में उसको लोकल लोग चलाएंगे और इसी तरह इंडिया में जो कश्मीर है उसको भी लोकल लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी वहां की आवाम कश्मीर की आवाम चलाएगी पाकिस्तान की आवाम नहीं आजाद कश्मीर को पाकिस्तान की आवाम नहीं चलाएगी और इसी तरह इंडिया के कश्मीर को इंडिया की आवाम नहीं चलाएगी बल्कि कश्मीरी लोग चलाएंगे ठीक है जी और जो बाद में आपका थ्री सेवेंटी के नाम से एक आर्टिकल है जो नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने स्क्रैप कर दिया रिपेल कर दिया या रिवोक कर दिया तो इसी तरह आपकी जो यू एन सी आई पी है उसके अंडर उसकी गाइडेंस में इंडिया जो है वो अपनी फोर्स को अपनी आर्मी को निकालेगा कश्मीर से ठीक है जी और इंडिया इंश्योर करेगा कि कश्मीर की जो पॉलिटिकल यूनिटी है जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो राइट्स हैं वो रहने चाहिए और इसके बाद फिर ये जो रेजुलेशन होगी उसको कर दिया जाएगा पब्लिक ठीक है जी तो ये इसके आ, इंडिया के से रिलेटेड जो इसके आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए देन हम कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने डिसाइड ये किया था कि हम आ, इसमें प्लेबिसाइड करवाएंगे कश्मीर में कश्मीरियों की जो सेल्फ इंटीग्रेशन है उसको नजर रखते हुए प्लेबिसाइड करवाया जाएगा यानी कि वोटिंग करवाएंगे हम कश्मीरियों से के वो कश्मीर वाले पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन एक्चुअली इश्यू को किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा कि इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को उनको चूज करना पड़ेगा लेकिन इस रेजुलेशन को जो 13 अगस्त 1949 को आई ये रेजुलेशन आज तक रेजुलेशन ही है इस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया ठीक है जी तो इस रेजुलेशन को 13 अगस्त 1949 को यूएन ने अडॉप्ट किया था और एक कमीशन बनाई गई थी यूएनसीआईपी इस थर्ड पार्ट में अब इस, इस कमीशन का काम क्या है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीरों में दोनों कश्मीर के दोनों पार्ट्स में इनके ऑफिसेस हैं और ये यूएन की तरफ से नुमाइंदे होते हैं जो कि पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के कश्मीर में जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो रिपोर्ट करते हैं यूएन को और यूएन फिर ऑब्जर्व कर रही होती है सिचुएशन को तो इसमें आ, कुछ और मेंबर स्टेट्स हैं इसके इस कंट्रीज के यूएन ने जो अपॉइंट किए हैं एक है आपकी अर्जेंटीना दूसरा आपका बेल्जियम और आपके कोलंबिया और चेक रिपब्लिक जिसका पुराना नाम है और फिर अमेरिका है इसकी मेंबर स्टेट ठीक है जी चले बेटा अब ये देखें कि ये है आपका सियाचिन वाला इशू कश्मीर में की पॉप, जो प्रॉब्लम है उसको कॉम्प्लीकेट जो है उनमें एडिशन जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है बेटा ये यहाँ पर बर्फ जमत जो है वो स्टोर होती है और फिर वो बाद में हमें पानी की शक्ल में मिलती है तो क्या हुआ कि जब ये इन्होंने कराची एग्रीमेंट किया जो हम जिसका हम ज़िक्र अभी करके आए हैं तो यहाँ पर इन्होंने इस लाइन को सीज फायर लाइन को डिफाइन कर दिया फिर बाद में जो 1972 को जुल्फ्कार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट किया तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया लेकिन एक एरिया ये रह गया जो इन्होंने डिफाइन नहीं किया था फिर हुआ क्या कि आपका 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन जिसका नाम था महदूद ऑपरेशन शुरू किया और फिर इन्होंने कश्मीर पर सॉरी मैं ये सियाचिन पर कब्जा करना शुरू किया और जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी को पता चला तो उन्होंने रेटेलीट रेट किया रेस्पॉन्स किया और अब सियाचिन का हिस्सा जो है वो इंडिया के पास भी है और फिर पाकिस्तान के पास भी है फिर जो इलाका पाकिस्तान ने कैप्चर किया था यहां पर और ये इस हिस्से पर उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था कायद पोस्ट यानी मोहम्मद अली जिना के नाम से एक पोस्ट बनाई थी फिर आ, आपका इंडिया ने नेक्स्ट काम क्या किया इंडिया ने 1987 को एक और ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था राजीव ऑपरेशन ठीक है जी इस राजीव ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी सियाचिन वाली पोस्ट है पाकिस्तान की जिसका नाम कायद पोस्ट है इस कायद पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया एक सूबेदार था जिसका नाम था बाना पांडे तो यह सूबेदार जो है बाना पांडे था इस बाना पांडे के नाम से अब इस कायदम पोस्ट का नाम रखा हुआ है इसका नाम है बाना पोस्ट तो इस तरह यह सियाचिन के जो इशू है ये और मजीद ऐड कर देता है पाकिस्तान पाकिस्तान की कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ कश्मीर कश्मीर में अब और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं जब ये आपकी ग्लेशियर वाला जो सियाचिन ग्लेशियर वाला इशू होता है जो इंडिया दो ऑपरेशन करता है और फिर ग्लेशियर पर कब्जा कर लेता है वैसे ये ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के आ, अंडर में आता था लेकिन फिर इंडिया ने कब्जा कर लिया और दो आ, जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो का है वो इंडिया के पास है अब लेट्स सी के जो रिसेंट काजेज हैं कश्मीर की कॉम्प्लिकेशंस के वो क्या है। बेटा एक उड़ी एक पोस्ट है इलाका है इंडियन कश्मीर में और वहां पर एक अटेक होता है और एक सबमिट हो रही थी आपकी होने वाली थी सार्क की पाकिस्तान में तो ये पोस्टपोन हो जाती है इंडिया पोस्टपोन कर देता है इसको पा, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर टेरर रैकेट अटैक हुआ था इंडिया ने इस पर किया था फिर बाद में बुरहान वानी एक मुजाहिद थे जो कश्मीर में जंग लड़े थे कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और इनकी स्टोरी आती है ये एक स्टूडेंट थे और फिर इनकी बाइक को रोका गया और फिर इनको टॉर्चर किया गया तो उसके बाद उनका माइंड चेंज हुआ और फिर वो कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिद बने या फिर फ्रीडम फाइटर जिसको आप कहें फ्रीडम फाइटर बने और आ, इसको इंडियन आर्मी ने कत्ल कर दिया तो उसके बाद फिर ये जो प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहे हैं ये हुए और इसी तरह फिर प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू हुए जब इंडिया ने ये दो आर्टिकल थर्टी फाइव ए और थ्री सेवेंटी आर्टिकल्स ये जब दोनों आर्टिकल जो है वो इंडिया ने रिवोक कर दिए तो ये आपका इशू शुरू हो गया और साथ में पाकिस्तान ने जो 2013 में सीपेक शुरू किया है एग्रीमेंट विद द चाइना चाइना के साथ जो किया है ये ये भी जो कश्मीर इशू है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है वो किस तरह देखें अभी मैंने आपको बताया के पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसमें आपका है एक है जीबी और दूसरा है और एक आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर वेरी गुड ठीक है जी तो ये जो जीबी है ना यहां से सीपे का रूट गुजरता है जो कि हसन अब्दाल पर पहुंचता है जिसको हम कराकरम हाईवे कहते हैं केट हाईवे कहते हैं तो ये जो केट हाईवे है ये आपका गुजरता है यहां से अब ये इसके तीन रूट्स बना के सेंट्रल ईस्टर्न और वेस्टर्न बना कर इसको सीपे का नाम दिया जा रहा है इसको को बना रहा है। अब इंडिया नहीं चाहता ज़्यादा से ज्यादा जो है इसकी इंटरफेरेंस हो ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि एक आपका शख्स गिर है और दूसरा आपका एक्साइज चिन्ह है जिस पर चाइना का कंट्रोल है और लद्दाख पर लद्दाख पर इनकी जंग हो चुकी है नाइनटीन में है ना तो ये कॉम्प्लीकेशन जो है और बढ़ा देता है इंडिया के लिए इसलिए इंडिया को रिजर्वेशन है के मामले में और इसी तरह आपकी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स जो है वो आ, फिर जब ये आर्टिकल्स स्क्रेप हुई तो ये रिपोर्ट्स आई और इसमें इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि आपका जो कश्मीर है उसमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया गया था जिससे लोगों की आंखें अंधी हो गई और फिर अः जैसे तस्वीर को आपको नजर आ रहा है कि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कश्मीर में इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इंडिया ने क्या किया है इंडिया ने लगा दिया है लॉकडाउन और ये आपका पांच अगस्त से 2019 से जो है ये लॉकडाउन लगा हुआ है कश्मीर में मैंने आपसे कहा कि साग की मीटिंग होने वाली थी जो कि पोस्टपोन हो गया अब देखें कि आपका एक पुलवामा अटैक होता है पुलवामा अटैक होता है पाकिस्तान कहता है कि यह अटैक इस वजह से हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन जीतना चाहते थे और यह होता है कि आप लोगों की सिंपत्ति वसूल करने के लिए सिंपत्ति हासिल करने के लिए फेवर हासिल करने के लिए आप लोगों को दिखाते हैं कि वी आर इंगेज एंड दिस गवर्नमेंट नीड्स मोर टाइम टू रिजॉल्व इश्यूज़ विद पाकिस्तान और अदर स्टेट्स और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है तो पुलवामा अटैक को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं ये आपका है। ये आपका पुलवामा अटैक है आदिल अहमदार जो है एक बंदा है जिसने आ, एक बम जो है वो फोड़ा था बम लगाया था आ, एक कॉर्ने जा रहा था गाड़ियों का पुलिस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के फोर्सेस थे जैश मोहम्मद जो है ये एक पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगाई हुई है तो जैश मोहम्मद एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर की आजादी के लिए जंग लड़ती है कश्मीर में तो एक लड़का है कश्मीरी जिसका नाम आदिल था तो उसने 40 के करीब जो है 40 के करीब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बंदों को मार दिया इस एक अटैक में इस बंदे ने जब इनको मार दिया तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि जैश मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग चलाते हैं वगैरह वगैरह और फिर पाकिस्तान ने इस दावे को रद्द किया और उन्होंने कहा कि जो आदिल अहमदार है वो कश्मीरी है और इंडियन कश्मीरी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी है और उन पर उस पर जो तशद जो वायलट हुआ है और उसकी वजह से रेडिकलाइजेशन कश्मीर में बढ़ रही है तो आदिल ने यह काम किया है तो खैर पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है पाकिस्तान ने कहा यह फॉल्स ऑपरेशन है एक झूठा ऑपरेशन है इसकी कोई हकीकत नहीं है अगर हकीकत है तो इंडिया हमें प्रूफ दे कि इसमें एक भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो तो हम एक्सटल इंटेलिजेंस के बेस पर हम ऑपरेशन करेंगे और इसी तरह जो है आपका ये इंडिया uh, की होम uh, से बनाया हुआ उसके ग्राउंड से बनाया हुआ जो है ऑपरेशन है आप देखते हैं कि डी एस हूदा जो है फॉर्मरली हेड ऑफ इंडियन नॉर्दर्न कमांड इंडिया की नॉर्थ कमांड के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल इन विच ही एक्नोलॉज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग सच मैसेव अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव बायिंग द बॉर्डर तो ये जो कश्मीर वाला बॉर्डर है पाकिस्तान कश्मीर वाला और ये आपका इंडियन कश्मीर वाला वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि 9 लाख की फौज इंडिया जो है इस बॉर्डर पर मैनेज करता है ये पॉसिबल नहीं है कि इस कश, इस इंडिया के कश्मीर में इतना बड़ा मवाद जिसमें आपके 40 फोर्सेस जो है वो मर गए और बड़ी गाड़ियां जो है उनकी तबाह हो गई तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये ऐसा हो अब फिर इंडिया ने क्या किया कि आपका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो स्क्रेप कर दिया इस टाइटल को खत्म कर दिया पाकिस्तान के लिए मुझे इकोनॉमी वाली बताएं इकॉनमी वाले बताएं जाहिद जाहिर बेटा आप बताओ कि एमएफएन क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है सर ये तो हमने नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा किसी और को आता नहीं हो नहीं सर हमने पढ़ा नहीं भारती आपने ये तो पढ़ा है लाजमी तौर पर फ्री मार्केट व्हाट इज फ्री मार्केट गवर्नमेंट हाँ एक बताए एक बताए जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है हम उसके ऑर्डर पे ही सब कुछ कर सकते हैं नहीं नहीं नो सर गवर्नमेंट का नहीं, नहीं होता नहीं मार्केट में सब कंज्यूमर जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर बस होते हैं प्रोड्यूसर और, है। और कंज्यूमर होते हैं बीच में थर्ड पार्टी यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती जी जी है ना सर बेटा लगाती है गवर्नमेंट होती है वो कमांड सिस्टम होता है बिल्कुल 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 वो मर उसको हम कहते हैं मर्केंटलिज्म इकोनॉमी में इसको कहते हैं मर्केंटलिज्म ठीक है तो ये आपकी के आपकी जो आपकी टैरिफ्स होती हैं जो टैक्सेस होती हैं जो आपके एक्सपोर्ट आता है किसी और कंट्री से आप जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जो गुड्स आपके पास आ रहे होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की शक्ल में तो उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है टैरिफ लगाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स पर जो टैरिफ लगती है जो टैक्सेस लगती है उनको हम टैरिफ कहते हैं और फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या है कि जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट आप पाकिस्तान वाले इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हो पाक, इंडिया में तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो इस तरह क्या है आपकी फ्री मार्केट प्रोवाइड करता है कंट्री आपको जब उसने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ हो वैसे इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई ट्रेड बड़ी लेवल की नहीं होती कोई टू बिलियन डॉलर की जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रेड हो रही होती है खैर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या है कि इंडिया आपके गुड्स पर टैक्स नहीं लगाएगा ठीक है जी तो ये इंडिया ने दिया हुआ था लेकिन जैसे ही आपका ये पुलवामा वाला जो अटैक हुआ जिसमें 40 सोल्जर्स मर गए और फिर नरेंद्र मोदी की मोदी फिर से इलेक्शन जीत गया आज वो प्राइम मिनिस्टर भी है तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को जो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था वो उन्होंने खत्म कर दिया स्क्रेप कर दिया अब इसका मतलब क्या है कि देर इज नो फ्री मार्केट अब

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है कि आपके मुल्क में जो करप्शन हो रही हो जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो और अगर आपके मुल्क में जो टेरर फाइनेंसिंग होती है दहशत गर्दों को पैसे पहुंचते हैं तो उस पर कंट्री को कंट्रोल करना होता है तो इंडिया ने क्या कोशिश की कि, कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाए ब्लैक लिस्ट करवाए ताकि बाकी जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए एफडीआई बंद हो जाए इसलिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है ठीक है जी और इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्व किया जा रहा है और पाकिस्तान जैसे ही आ, इंप्रूव कर लेगा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाएगा ओके जी एंड देन इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर स्टेट प्रूव कर दे कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है दहशत गर्दी को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ जो है हाइब्रिड वार जो है वो शुरू की हुई है लेकिन अभी दुनिया ने प्रूव कर दिया वर्ल्ड हैज प्रूव्ड रिसेंटली ये मैं पिछले वीक की बात कर रहा हूं पिछले वीक की बात कर रहा हूं आप जाकर सर्च कर लें इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड बाय इंटरनेशनल uh, एजेंसीज uh, के uh, इंडिया ने बहुत सारे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स और फेक वेबसाइट्स बनाई हुई थी पाकिस्तान के इमेज को टार्निश करने के लिए इमेज को गलत रिप्रेजेंट uh, uh, करने के लिए तो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान एक डोजियर पेश कर चुका है यूएन को कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है और टेरर फाइनेंसिंग की वगैरह ये सारे प्रूफ पाकिस्तान जो है वो सबमिट करवा चुका है अभी जब इंडिया ने ये थ्रेड दिए कि हम आपका स्टेटस खत्म कर देंगे ग्रे लिस्ट में आपको डलवाएंगे वगैरह वगैरह तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो सामने आ गया उन्होंने कहा इफ प्रोवोक्ड थ्रेटन या प्रेशराइज़ पाकिस्तान विल शो, पाकिस्तान आर्मी विल शो फुल मसल पावर टू तो द एनिमी यानी के इंडिया को हम दिखा देंगे हमने जो कमेंटमेंट की हुई अपनी मदरलैंड से हम उसको प्रूफ करेंगे यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अटैक करो तो हम चुप खामोश रहेंगे ऐसा नहीं होगा वी विल रेटलियट हम भी अटैक करेंगे नाउ कम्स द रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल बेटा मैंने अभी आपको बताया ब्रीफली अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 1919 को एक आर्टिकल है 370 जिसको इंडियन प्रेसिडेंट ने रिवो कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी होती है वहां पर आपके जो भी कोई चेंजेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी आपके अमेंडमेंट्स होती हैं वो थ्रू द प्रॉपर चैनल एक बिल जो है वो आपका असेंबली में लोकसभा और में जाता है फिर राज्यसभा यानी अपर हाउस में जाता है और फिर उसको प्रेसिडेंट जो है वो साइन करता है तो वो फिर क्या बन जाता है लॉ बन जाता है ऐसे ही पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के पास जाता है फिर सेनेट के पास जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो हमारा ला बन जाता है वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है लेकिन सम टाइम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स भी इमरजेंसी पावर्स क्योंकि उनके, उनके पास होते हैं तो उसकी बेस पर जो है उनके प्रेसिडेंट ने आ, ये लगा दी अब इस आर्टिकल से हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने ये आर्टिकल किया तो पूरा कश्मीर जो है उन्होंने कंट्रोल कर दिया अब कश्मीर को दो हिस्सों में उन्होंने तकसीम कर दिया है एक लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू तो अब इंडिया की आबादी को तकसीम कर दिया गया कश्मीर की आबादी को तकसीम कर दिया गया और फिर इस आर्टिकल के रिवोकेशन के बाद पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते इमरजेंसी लगाई हुई है यहाँ तक के नमाज पढ़ने की भी इजाज़त उनको नहीं दी गई और खाना वगैरह परचेज करने की भी इजाज़त नहीं दी गई अब कश्मीरी अगर वो निकलेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन एन की स्पीच में कहा था कि अगर वो निकलेंगे तो मुझे डर है कि सिविल वॉर शुरू हो जाएगी अब हम देखते हैं कि ये आर्टिकल 370 क्या है बेटा हमने यू एन का जिक्र किया हमने यूएन की रेजोल्यूशन का जिक्र किया जो अगस्त में आई थर्टीन अगस्त को आई तो हमने इनका जिक्र किया इन इस इनमें कहा गया था कि जो लोकल लोग हैं वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे अब उसको हम कहते हैं आर्टिकल 370 सेवेंटी आप पहले आपकी कश्मीर की 5 अगस्त 19 2019 आ, में आ, जो है जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया तो उससे पहले जो है लोकल लोग गवर्नमेंट चला रहे थे अब इस पर इंडिया की हुकूमत होगी अब इंडिया यहां पर हुकूमत करेगा तो एक तो ये है और दूसरा यह है कि आर्टिकल जो आपका थर्टी फाइव है यह परमानेंट रेजिडेंशिप लॉ की बात करता है इसमें आपके जितने भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरीज हैं उनको राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकते हैं रख सकते हैं कोई भी आउटसाइडर जो कश्मीर से ताल्लुक ना रखता हो वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता वहां पर रेजिडेंट नहीं र... हो सकता वहां की लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं ले सकता और ना ही लोकल गवर्नमेंट में उसका हिस्सा बन सकता है है और ना ही आ, जो है, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है अगर ऐसी कोई औरत जो कश्मीरी है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहती है और उसने शादी कर ली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से बाहर इंडिया के किसी और सूबे में कहीं पर भी कश्मीर के अलावा कहीं पर भी शादी कर ली तो उससे प्रॉपर्टी का राइट खत्म हो जाएगा और उसके बच्चों को भी प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा वो भी इंडियन कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं अब इंडिया ने इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया है अब देखें कि क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि मोदी को आ, जो है अपना जो आर एस एस है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है दे वॉन्ट सुपर और ब्रह्मन ब्रह्मन सुपर मेसी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर आ, कश्मीर में आपके आ, जो है ब्रह्मन आबाद हो तो उनकी आबादी के लिए ये चीज़ की जा रही है और इसका मतलब क्या है बेटा जब ये आर्टिकल स्क्रेप कर दिए तो अब इसका मतलब ये है कि जो कश्मीरी हैं उनको कश्मीर में हुकूमत बनाने का हक नहीं है पहले इससे पहले महबूबा मुफ्ती जो कि कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर हैं उन उनकी हुकूमत थी जो कि कश्मीरी है अब क्या होगा कि इंडिया के लोग यहाँ पर आके रहेंगे तो कश्मीरियों को यहाँ पे रिहाइश का हक नहीं होगा आ, हक होगा मतलब वो भी रह सकते हैं लेकिन बाकी जो आपके आउटसाइडर्स हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अलावा लोग जो है वो कोई मुंबई से जाएगा कोई चन जो है आपके चेन्नई से जाएगा कोई आपका मद्रास से जाएगा कोई जो है आपका दिल्ली से जाएगा तो वहां पर जाकर जो है प्रॉपर्टीज परचेज करेंगे रिजॉर्ट बनाएंगे वगैरह वगैरह और फिर इस तरह क्या होगा कि आपकी जो कश्मीरियों की पॉपुलेशन है कश्मीरियों की जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगी फिर क्या होगा कि यूएन ने कहा था कि हम आ, जो है प्लेबिसाइड करवाएंगे तो अब ये होगा कि वहां पर मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी और फिर वो जब प्लेबिसाइड होगा तो फिर डेफिनेटली वोट पर इम्पैक्ट पड़ेगा देन व्हाट नेक्स्ट अब देखें द फर्स्ट लीगल चैलेंज जो है वो हो सकता है फ्रॉम कश्मीर इन साइड कश्मीर से हो सकता है और ये जो आर्टिकल थ्री uh, सेवेंटी uh, है जिसको खत्म किया गया है उसको फिर से इम्पोज भी किया जा सकता है और एक पॉसिबिलिटी यह है कि जो आर्टिकल खत्म हुआ है उससे एक सिचुएशन फलस्तीन और इसराइल वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है सर जी, जी जी सर आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री में यह भी तो था ना जम्मू कश्मीर जो है उनकी मर्जी है वो ज्वाइन इंडिया को करें या पाकिस्तान को बेटा वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है नहीं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें चॉइस थी कि आप जब आ, कोई भी स्टेट अगर वो ज्वाइन करना चाहती है किसी भी स्टेट को पाकिस्तान को या इंडिया को ज्वाइन करना है दो चॉइसेस थी तीसरी चॉइस नहीं थी इंडिपेंडेंस की चॉइस नहीं थी ठीक है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है चले जी नेक्स्ट अब देखें अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किए हैं या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ देखें क्योंकि कश्मीर का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है तो ये लाजमी है कि इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन हैं वो अच्छे रहे वो बेहतर रहे तो इनको हम कहते हैं बायोलिट्रल रिलेशन जैसे हम फॉरेन पॉलिसी में पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरह फिर जब उससे आ, सीटो सेंटो से फेडअप हुआ तो फिर उसने बायोलेटर रिलेशन शुरू किए थे अब देखें मिनोरिटी पैक्ट आपका 1950 को हुआ है 1950 को एक आपका साइन किया था जवाहरलाल नेहरू और लियात अली खान ने दिल्ली में जाकर ये पैक्ट साइन किया था इसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं इसमें यह था कि जो लोग कश्मीरी आ, जो आपके पाकिस्तान के लोग हैं क्योंकि माइग्रेशन भी हुई थी इन कश्मीर से भी लोग आए थे यहाँ पर हमारे पास और फिर यहाँ से लोग हमारे कश्मीर में भी गए थे इसी तरह बांग्लादेश से भी लोग आए थे और फिर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी माइग्रेशन हुई थी फिर इसी तरह ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में भी माइग्रेशन हुई थी तो ये जो मिनोरिटीज आई थी दोनों स्टेट्स में उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था अगर कोई रह गया है किसी मुल्क में उसकी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर सकता है और इस दौरान जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी औरतें किडनैप हुई थी एबडेक्टेड वुमेन्स को एबडेक्ट किया गया था तो इस पैक्ट में ये तय किया गया था जो भी औरतें एबडेक्ट हुई हैं दोनों तरफ से चाहे मुस्लिम्स ने की हो या हिंदूज ने की हो या इंडिया या पाकिस्तान दोनों में ये चीज़ अगर कॉमन हुई हो तो हम क्या करेंगे औरतों को वापस करेंगे रिटर्न करेंगे जो भी एबडक्ट हुई हैं और फिर जो प्रॉपर्टी लूटी गई है वो भी हम आ, वापस करेंगे और फिर इस सिचुएशन में जब दोनों मुल्क आजाद हो रहे थे तो कुछ फोर्स कन्वर्जन भी हुई थी जबरदस्ती उनका मजहब चेंज करवाया गया था कुल्हाड़ी रखकर तो इस चीज को हम रिकगनाइज करेंगे और फिर हम उनको उनके जो पहला मज़हब था उन उसकी तरफ उनको रिवर्ट करेंगे और इसी तरह आपके जो मिनार्टी राइट्स हैं जो भी पाकिस्तान में रह जाएंगे जो इंडिया में रह जाएंगे उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे आप देखें कि इस इन इन राइट्स को दोनों स्टेट्स में कहीं ना कहीं वायलेशन हो रही होती हैं ठीक है जी देन आ जाए आप ताशकंद एग्रीमेंट की तरफ हमने नाइनटीन में सिक्स सितंबर 1965 में इंडिया से जंग लड़ी और फिर देन आपके लाल बहादुर शास्त्री जो थे एल लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के सबसे छोटे प्राइम मिनिस्टर छोटे मतलब हाइट में कम थे तो सबसे छोटे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने ये 10 जनवरी को साइन किया था और 11 जनवरी को मर भी गए थे ताशकंद में ही तो ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था उज्बेकिस्तान में और अयूब खान और इस आपके रशिया की तरफ से थे कोसेजिन थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को रख करवाया था और फिर दोनों कंट्रीज में जो है वो पीस कायम हुआ था इस एग्रीमेंट के तहत जो है दोनों कंट्रीज ने जो है वो फोर्सेस निकालनी थी और अपनी फोर्सेस को उस हद तक लेकर जाना था सपोज ये आपका इंडिया का बॉर्डर है और पाकिस्तान की फौजें सपोज यहां पर खड़ी हुई हैं और ये आपकी अगस्त फाइव की बात है तो अगस्त फाइव में पाकिस्तान की फोर्सेज यहां थी फिर सितंबर में सपोज यहां पर पहुंच गई तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या था कि आपके फौजें जो है वो यहां पर आकर रुक जाएंगी वापस चली जाएंगी यहां पर इस एग्रीमेंट के तहत ये हुआ था और फिर अपनी पोजीशन जो है वो वहां पर संभाली उसके बाद फिर उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि हमने जो हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे रेफ्यूजीज के इश्यूज को और बाकी जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो हम जो है वो उनको रिजोल्व करेंगे फिर हम देखते हैं कि नाइनटीन एटी में पाकिस्तान के सदर जनरल जियाउल हक ने इंडिया को एक ऑफर की थी नो पैक्ट जिसको आप कहें या नो एग्रेशन पैक्ट भी कह सकते हैं उसकी ऑफर की थी इसका मकसद क्या था इसका मकसद यह था कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जंग नहीं लड़ेंगे अगर यह एग्रीमेंट हो जाता जो कि इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया था इंडिया ने कहा था कि हम ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते आपके साथ अगर इंडिया कर लेता तो आज इंडिया पर कश्मीर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले पर इंडिया के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता था तो खैर पाकिस्तान का खुद दावा भी कमजोर पड़ रहा था बहरहाल फिर पाकि पाकिस्तान ने जो है ऑफर की थी ये आपकी अपना नो वार पैक्ट ऑफर किया था और फिर अब हम देखते हैं आगरा समिट को जो कि आपकी दो, जो है फोर्टीन टू सिक्सटीन जुलाई टू थाउजेंड टू को हुई है और इसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं और जनरल परवेज़ मुशरफ़ हैं जनरल परवेज़ मुशरफ गए थे कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पर हल करने के लिए बात करने गए थे इससे पहले जनरल परवेज़ मुशरफ से पहले फेबरवरी में फेबरवरी में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे जो नवाज शरीफ थे उनके दरमियान में नाइनटीन को ये हुआ था एग्रीमेंट इसको कहते हैं हम लाहौर डिक्लेरेशन एक हुई थी फिर दोनों कंट्रीज की जो नेशनल असेंबलीज हैं उनकी लोकसभा कहलाती है हमारे यहाँ नेशनल असेंबली कहलाती है तो दोनों ने इसको रेटिफाई किया था और एक्सेप्ट किया था लेकिन हुआ क्या कि अक्टूबर में आकर आपके जनरल परवेज मुशरफ ने लगा दिया माशाला एमरजेंसी लगा दी और फिर उसने नवाज शरीफ को हटा दिया और खुद आ गया तो उसके बाद फिर जो आपकी यूएन है उन्होंने जनरल परवेज मुशरफ से कहा कि आपने ये जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई है फेबरवरी में उसको कंटिन्यू करें उसके लिए जो है लाहौर डिक्लेरेशन के लिए आप इंडिया से बात करें फिर जनरल परवेज मुशर्रफ इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए और फिर उन्होंने ये जो आपकी आगरा सम्मिट है उस पर नेगोशिएशन की दो इसके राउंड्स हुए लेकिन फाइनली जो है ये नेगोशिएशन फेल हो जाती हैं एटलीस्ट बताने का मकसद क्या है कि हम जो है वो अपना इनिशिएटिव ले रहे थे कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए तो इस तरह ये पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज हैं जो दूसरे कंट्री के साथ मिलकर इसको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान जो है वो कश्मीर डे भी मनाता है हर साल और फिर हमने करतारपुर कॉरिडोर भी ओपन किया है जैसे गुरु नानक की जहां पर दरगाह है जी सचिन सचिन कह रहा हूं अपना कमलेश यस yes, सर बताओ भाई गुरु नानक की कहां है मजार कहां है सर करतार पूर, करतारपुर करतारपुर है ना पंजाब साहब लाहौर नानकाना साहब में भी नानकाना साहब में अभी सही पहुंचे हो ठीक है नानकाना में है yes. तो आप क्या है कि आपके जो सिख बरादरी है वो फिर क्योंकि पांच मिनट ब्रेक करें तो पांच मिनट ब्रेक करेंगे चलें पांच मिनट ब्रेक कर लें ओके थैंक यू ओके ब्रेक कर लें तो मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूं जी कंटिन्यू करें ठीक yes, है बेटा कंटिन्यू कर अपने माइक्स जो है म्यूट कर दें काइंडली म्यूट योर माइक्स ठीक है जी लेट्स टॉक अबाउट सम सजेशंस के सजेशंस uh, क्या है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस कश्मीर इशू हम इस कश्मीर इशू को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं बाय uh, डी के हम इस कश्मीर को जो कि आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंडर में आता है यहां पर दोनों की तरफ से जो फौजी कर्मी हुई हैं यहाँ से इसको डीमिलिटराइज़ कर दें यहां से फौजी निकाल दें ठीक है जी थी? आ, जैसे कि यूएन ने प्रपोज किया था कि आप इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उस पर आर्मी निकालेंगे तो सबसे पहला इन्होंने काम क्या करना था आर्मी निकालनी थी उसके बाद फिर जब से आर्मी निकलेगी तो फिर यूएन प्लब डिसाइड कराएगी तो पहला ऑप्शन क्या है पहली सजेशन क्या है कि डीमिलिटराइजेशन की जाए या जैसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट इंडिया की जो आर्मी है जो इंडिया की आर्मी है सपोज ये इंडिया की आर्मी का पोर्शन है जो कि नौ लाख बनता है और ये पाकिस्तान की आर्मी का पोर्शन है तो जैसे पाकिस्तान की आर्मी कम है तो इंडिया को भी अपनी आर्मी कम करनी चाहिए आर्मी की इक्वलिटी होनी चाहिए ज्यादा आर्मी ना हो ठीक है जी सारे आ गए अभी स्टिल आई एडमिटिंग स्टूडेंट्स ओके इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर कश्मीर की आजादी कश्मीर को आजाद किया जा सकता है पॉसिबिलिटी है इट शुड बी के जो कश्मीर है आपका इसके जो दो स्टेक होल्डर्स हैं एक है पाकिस्तान और दूसरा है इंडिया कश्मीर इन दोनों से आजाद हो जाए ठीक है जी देन यूएन ने जो वादा किया था अगस्त थर्टीन uh, अगस्त रेजोल्यूशन में वो यून को काम करना चाहिए और इनको करवानी चाहिए प्लेबिसाइड ठीक है जी अकॉर्डिंग टू इट्स रेजोल्यूशन और इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि यूएन की जिम्मेदारी है और प्लेबिसाइड है जो लीगल राइट्स हैं सोशल राइट्स हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं जो कश्मीरियों के हैं वो उनको मिलनी चाहिए सपोज एक आपका आ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है एक आपका पाकिस्तान कश्मीर है तो इनमें जो कश्मीरी रहते हैं दे डिजर्व राइट्स तो उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए उनको राइट्स मिलने चाहिए ठीक है जी तो इस तरह फिर क्या होगा कि दोनों तरफ आ, अमन रहेगा अगर इंडिया जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है कि जो पाकिस्तान में आ, कश्मीर का हिस्सा है जो कश्मीरी है उनको बड़ी आजादी दी हुई है उनके बड़े राइट्स को प्रोटेक्ट करता है तो इसी तरह इंडिया भी चाहता तो वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश रख सकता था अगर इंडिया मुसलमानों की उस पॉपुलेशन को खुश रखता तो आज ये आ, इंडिया के लिए नौबत नहीं आती हो कब का हो गया होता और फिर वो मुस्लिम जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर चुके होते जो कि इंडिया ने नहीं किया एक एंट्रीम गवर्नमेंट बनाई जा सकती है मैनेज बाय द यूएन बेटा एक आरजी हुकूमत देखें यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यहां पर है आपकी आ, लोकल लोगों की गवर्नमेंट है एडमिट करें हॉस्पिटल किसको भारतीय मुझे नहीं आई रिक्वेस्ट ठीक है जैसे आती मैं एक्सेप्ट करता हूं हाँ आ गई भारती आ गई ठीक है चले जी तो ये है कि जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसमें उसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और फिर आपकी जो इंडियन कश्मीर है उसमें भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी लेकिन स्पेशल स्टेटस जो है वो इंडिया ने खत्म कर दिया है तो अब दोनों गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में जो लोकल बंदे आ रहे हैं उनको ख़त्म करके यूएन जो है वो अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट बना दे जो कि इसको चलाती रहे ठीक है हम इन दोनों यूनिट्स को बहुत यूनिट्स को हम ऑटोनोमस भी कर सकते हैं कि वो हर लिहाज से इंक्लूडिंग फाइनेंस आप क्या कैपिटल करेंसी कम्युनिकेशन डिफेंस सारी चीजों में हम उनको ऑटोनोमस कर दें और दोनों कंट्रीज की पाकिस्तान और इंडिया की कोई इंटरफेरेंस जो है उसमें इंटरनल इंटरफेरेंस जो है वो दोनों कंट्रीज की ना हो तो ना हो फिर देन न्यूट्रल मैंडेट क्या है Uh, एक न्यूट्रल मैंडेट भी हम कह सकते हैं न्यूट्रल मैंडेट क्या है कि किसी दूसरे मुल्क को जैसे सपोज हम चाइना की बात करें अगर इंडिया चाइना को पसंद नहीं करता तो इट्स ओके दोनों कंट्रीज जो है वो अमेरिका को पसंद करते हैं तो हम जब तक कि ये कश्मीर का इशू हल नहीं होता हम एज अ मैंडेट मैंडेट क्या है आरजी हुकूमत एक न्यूट्रल मैंडेट न्यूट्रल क्या दोनों दोनों ना अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करे ना पाकिस्तान को सपोर्ट करे और एक न्यूट्रल मैंडेट के तौर पर यहां पर जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं या राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे देन थर्ड पार्टी मीडिएशन जैसे कि आपकी सार्क कॉन्फ्रेंस की हमने बात की थी तो सार्क कॉन्फ्रेंस में जो सार्क मेंबर्स है उनने ऑफर किया था कि हम दोनों पार्टीज की इंडिया और पाकिस्तान की नेगोसिएशन करवाएं लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारा इंटरनल इश्यू है तो आप इंटरफेयर ना करें तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक थर्ड कंट्री जैसे यूएस है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑफर की थी तो हम एक थर्ड कंट्री थर्ड पार्टी को अपनी मीडिएशन जो हम डायलॉग्स हैं उनमें उनको बिठा सकते हैं एज अ मीडिएटर सुलह करवाने वाले कोई भी मुल्क हो सकता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवा दे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है हम कश्मीर को नॉन रिकोगनाइज स्टेट के तौर पर भी आजाद कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो स्टेट्स ऐसी हैं जो कि नॉट रिकोगनाइज हैं एक आपकी है रोमन कैथोलिक एक आपकी है रोमन कैथोलिक और दूसरी आपकी फलस्तीन ठीक है जी तो दोनों स्टेट जो है वो नॉट रिकोगनाइज बाय द यूएन इनको परमानेंट स्टेटस नहीं दिया हुआ बाकी 93 थ्री कंट्रीज जो है वो परमानेंट है तो हम ये कर सकते हैं कि आ, कश्मीर को जो है ऑब्जर्वर स्टेट ये दोनों आपकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं तो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर हम कश्मीर को रख सकते हैं आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन्फ्लुएंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान इमरान खान एट द यूएन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ठीक है जी बेटा यूनाइटेड नेशन की हमने हम जिक्र हम कर चुके हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बहुत सारी एजेंसीज है जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सिक्योरिटी काउंसिल है ठीक है इसी तरह आपकी जनरल असेंबली है सोशो इकोनॉमिक काउंसिल है वगैरह वगैरह तो ये इमरान खान की तस्वीर है जो उस वक्त उन्होंने जो स्पीच की थी सेवन थी फोर्थ यू जनरल असम्बली में ये उसकी है तो इन्होंने चार कोर एरियाज़ पर फोकस किया था और फिर करप्शन या आउटफ्लो करेंसी पर फोकस किया था सब पहला जो है इन्होंने क्लाइमेट पर और दूसरा फिर करेंसी या कैपिटल आउटफ्लो या करप्शन पर इन्होंने जिक्र किया था और तीसरा जिक्र इन्होंने किया था इस्लामोफोबिया पर और चौथा जिक्र इन्होंने किया था आपके कश्मीर पर क्योंकि कश्मीर जो है वो तब बड़ा फ्रेश इशू था तो उन्होंने अपनी इसमें इंक्लूड किया था इसको लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज चले जी क्लाइमेट चेंज का इशू क्या है देखें हमने देखा है कि पोल्यूशन है और ग्लोबल वार्मिंग है ओजोन डिप्रेशन है पाकिस्तान में कोई पांच हजार ग्लेशियर्स हैं पांच हजार ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है अब क्या है कि जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं बेटा जहां से आपको पानी मिलता है जब ये बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं तो पाकिस्तान में पानी आता है इंडस रिवर में और फिर ये अरेबियन सी में जाकर डूब जाता है तो ये ये ग्लेशियर्स ज्यादा पानी जो है वो निकालेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है और ज़्यादा एवोपोरेशन होगी और फिर पानी ज़्यादा आएगा तो फिर आप क्योंकि आपका एग्रेरियन कंट्री है तो पाकिस्तान जो है वो फ्लड की जद में आ सकता है जैसे 2010 में पाकिस्तान में फ्लड आया था क्योंकि आपके इंडस वाटर में और पानी ज़्यादा आ जाता है तो फ्लड आता है तो इस तरह आप पाकिस्तान में फ्लड्स आ सकते हैं और पाकिस्तान की ज़मीनें जो है वो डूब जाएंगी फसलें तबाह हो जाएंगी वगैरह वगैरह तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इमरान खान ने कहा कि हमने एक बिलियन ट्री जो है अपने प्रोविंस केपी के पीके में हमने एक बिलियन ट्री जो है वन बिलियन ट्री लगाए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो वो किस तरह कम होगी क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट से कार्बन इनहेल करते हैं ये जो आपके प्लांट्स हैं आपके जो प्लांट्स हैं ये आपके कार्बन इनहेल करते हैं आपके एटमॉस्फेयर से ठीक है जी एटमॉस्फेयर से CO2 टू कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और फिर ये एटमॉस्फेयर को देते हैं ऑक्सीजन तो एक गिविंग uh, टेक एक ट्रांजेक्शन या जिसको आप वाटर इकोनॉमी कहते हैं लेन देन जो है हमारी विद द नेचर चल रही होती है तो जब आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो जब ज्यादा ज्यादा ट्रीज लगाएंगे तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से इनहेल करेंगे और फिर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेश एयर होगी तो इससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन इन्होंने कहा कि के हमने केपिके में जो है एक बिलियन जो ट्रीज लगाए हैं वी हैव प्लांट तो नेक्स्ट जो है हम टेन ते, बिलियन ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे दस अरब दरख लगाएंगे अब एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता बाकी मुल्कों को भी आ, कुछ करना चाहिए जैसे बड़े इंडस्ट्रियालाइज कंट्रीज हैं जिनकी इंडस्ट्रीज से बड़ी कार्बन जो है वो इमेट को हो रही होती है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका हम जिक्र कर चुके हैं हमारे एथिक्स में तो ग्रीन हाउस गैसेस की इमेजन जो ज्यादा जो कंट्रीज कर रही हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं उनको ज्यादा बर्डन दिया जाए वो ज्यादा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें देन नेक्स्ट टॉपिक जो इन्होंने डिस्कस किया डेट वॉज करप्शन इन्होंने कहा कि ग्लोबली क्या हो रहा है कि आपके जो, जो वर, वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने टैक्स हैवन्स बनाई हुई हैं उन्होंने बनाई हुई है टैक्स है इससे क्या है कि एक जो करप्ट बंदा होता है वो अपना कैपिटल शिफ्ट करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप देखें सपोज ये पाकिस्तान है और इसी तरह एक कंट्री है स्विट्जरलैंड सपोज तो ये क्या करते हैं कि जो पाकिस्तान में करप्शन होगी वो फिर करप्शन लेकर जाते हैं स्विट्जरलैंड में और वहाँ की स्विस बैंक में सपोज जमा करवा देंगे तो फिर क्या हुआ कि ये आपका जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में, में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह करप्शन करके बाकी मुल्कों में पैसे को छुपाया जाता है जब आपके पास पैसा मुल्क से निकल जाता है तो आपके पास डॉलर की कमी हो जाती है आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर की कमी हो जाती है जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो चीज़ों की जो कम्यूनिटी की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और आपका जो मुल्क पर कर्जा है वो बढ़ जाता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप पे कम हो जाती है क्योंकि यहां पर करप्शन है तो इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है तो इन्होंने कहा कि ये दुनिया के कंट्रीज ने क्यों इस चीज को लीगल बनाया हुआ है कि करप्शन का जो पैसा है वो आप टैक्स में लेकर जाकर छुपा देते हैं तो यूएन को इस इससे कुछ करना चाहिए तो इनिशिएटिव लेना चाहिए और फिर जो आउटफ़्लो कैपिटल है वो फिर आ, उस कंट्रीज को जहाँ से वो फ्लो करके आया है उसको रिटर्न करते हैं ताकि वहाँ से फिर कैपिटल आउटफ़्लो ना हो देन उन्होंने फिर इस्लामिया इस्लामोफोबिया की बात की आ, उन्होंने आ, आ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मैं वेस्ट में रहा हूं मेरे वेस्ट में अच्छे ताल्लुकात हैं तो मैं वेस्टर्न माइंड को जानता हूं कि वो इस्लामियों फोबिया क्या है कि हेट अगेंस्ट इस्लाम इस्लाम के अगेंस्ट नफरत जो पाली हुई है यूरोप वालों ने उस पर वो जिक्र कर रहे थे वो कह रहे थे कि हर मरतबा दो तीन साल में कोई ना कोई जो है वो प्रॉफिट पीस भी अपान एम की इंसल्ट कर देता है उनकी केरी बनाता है उनके खाके बनाता है तो गॉड फेयर फॉरबेड के ये जो वेस्टर्न माइंड है इन्होंने ही लोगों ने रेडिकल इस्लाम का कॉन्सेप्ट दिया रेडिकल इस्लाम कहां से आया इस्लाम तो एक ही है जो प्रॉफिट पीस भी अपान ने दिया और उन्होंने दुनिया की सबसे पहली गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट कायम की जहां पर उन्होंने जो विडोज थी उनको भी राइट्स दिए गए जो स्लेव्स थे उनको भी राइट्स दिए गए यहां तक के कहा गया कि जो स्लेव आप खुद खाते हैं वो अपने स्लेव को खिलाए और जो खुद पहनते हैं वो अपने स्लेव को पहनाए और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बड़ी नेकी क्या है कि आप गुलाम को आज़ाद कर दें अपने स्लेव को आजाद कर दें तो इस तरह दुनिया की तारीख ने देखा कि किस तरह जो है स्लेव डायनेस्टीज बनी है और ये स्लेव डायनेस्टीज जो है वो मुस्लिम चला रहे थे जैसे आपका हम हिंदुस्तान में की बात करें कि मोहम्मद गोरी के बाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर आ, जब उनकी हुकूमत चली तो उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी ग़ुलाम सल्तनत की बुनियाद रखी थी तो वो कहने का मकसद उनका क्या था कि इस्लाम जो है हर किसी को अपने राइट्स प्रोवाइड करता है और ये वेलफेयर स्टेट की आ, बात है और प्रॉफिट पीस भी अपाना हमने दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट कायम की थी तो ऐसे प्रॉफिट को जो है आ, बुरा भला कहा जाता है जब यहूदियों को होलोकास्ट का नाम लिया जाए तो यहूदियों को जितना बुरा लगता है उनके सेंटिमेंट जितने वॉलेट होते हैं इमोशंस उनके अंदर जो आते हैं होलो के नाम से वैसे ही हमारे जज्बात होते हैं एंड वर्ल्ड वर्ल्ड शुड रिकोगनाइज के दैट इज नॉट फेयर विद द मुस्लिम्स एंड देन फिर उन्होंने कश्मीर की बात की और हम नेक्स्ट स्लाइड में इस पर बात करते हैं चले जी वॉर ऑन टेरर की इन्होंने बात की कि वॉर ऑन टेरर जो है वो 2001 में जैसे शुरू हुई तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करता है उससे पहले उन्होंने आ, 1980 की मिसाल दी कि जैसे ही 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ आ, जो तालिबान थे उनको ट्रेन किया गया और फिर रशिया के खिलाफ उनको लड़ाया गया और फिर जब नाइन इलेवन का वाक हुआ तो उसके बाद अमरीका ने इन्हीं मुजाहिदीन को जो हमें कहा गया कि हम इनकी गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें और बेनजीर ने तालिबान की मुजाहिदीन की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी किया था और फिर नाइन इलेवन के बाद इनको जो है टेररिस्ट बना दिया गया अब वो अमरीका की नजर में टेररिस्ट हो गया हालांकि वो पहले उनको इस्तेमाल करता रहा है तो के पाकिस्तान ने इन दोनों इश्यूज पर वर्ल्ड को दुनिया को सपोर्ट किया है ऑन द वॉर ऑन टेरर पीस के लिए अमन के लिए इंडिया की फिर आप इन्वॉल्वमेंट पर की बात उन्होंने की कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है और उसकी एग्जांपल उन्होंने गुलभूषण यादव से दी कि गुलभूषण यादव जो है वो उसने आपका पाकिस्तान में वो पकड़ा गया बलूचिस्तान में और उसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी केस गया जो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको काउंसलर रसाई दी जाए और उन्होंने अभिनंदन का भी जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पर बम लगाने वाले थे लेकिन फिर भी हमने नेक्स्ट डे पे हमने अभिनंदन को रिहा कर दिया क्योंकि हम अमन चाहते थे और पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाहता है चले जी और फिर उन्होंने पुलवामा का अटैक किया जिसमें फोर्टी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बंदे आ, एक बम बं में एक बम धमाके में मर गए थे उन्होंने कहा कि हमने इंडिया से कहा कि आप हमें एक वैलिड प्रूफ दें कि पाकिस्तान का कोई भी एक बंदा इसमें इन्वॉल्व हो तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन जो कि इंडिया जो है वो प्रूफ नहीं दे पाया और इसी तरह इंडिया बेम लगाता है कि कश्मीर वाले बॉर्डर पर इंडिया ब्लेम लगाता है कि कश्मीर वाले बॉर्डर पर 500 पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट बैठे हुए हैं जो कि अटैक करेंगे तो मैं ये पूछता हूं कि ये क्या लॉजिक है कि 9 लाख के, के बराबर मुकाबले में 500 जो पाकिस्तान के जो उनके मुताबिक जो ट्रूप्स हैं या जो मुजाहिदीन हैं वो क्या करेंगे जो वो इल्जाम लगा रहे थे तो 500 लोग क्या कर सकते हैं नौ लाख के मुकाबले में और फिर उन्होंने आर का जिक्र किया कि RSS जो बनी है उसका माइंडसेट क्या है जैसे आपका हिटलर है और मोसोलोनी था इटली का तो ये दोनों जो है आर्यन नस्ल की सुपरमेसी में बिलीव रखते थे वो चाहते थे कि कि की की हो। हो इसी तरह मोदी चाहता है की, आ, सुपर हो। हिंदुस्तान में सब ब्रह्मन हो और आ, जो मोदी ने किया था गुजरात में उसकी वजह से मोदी पर जो है अमेरिका में पाबंदी बेन लगाई गई थी कि वो अमेरिका में इंटर नहीं हो सकता है तो ऐसे माइंडसेट के साथ इंडिया जो है वो काम कर रहा है और इसी माइंडसेट की वजह से उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है जिसमें आठ मिलियन लोग जो है वो आ, कश्मीर में जो है लोग कैद हैं और जब देखें कि मुसलमान जो है जो पूरी दुनिया के 180 मिलियन मुसलमान हैं सॉरी 180 मिलियन जो मुसलमान हैं इंडिया में अगर वो अपने भाइयों को देखें तो आ, कैसे लगेगा यूरोप को मैं देखता हूं कि अगर आठ मिलियन के करीब जानवरों को कैद किया जाए तो उनकी रिएक्शन क्या होगी तो क्या यह मुसलमानों के अगेंस्ट में राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती और दुनिया ने जो है पॉलिसी अख्तियार की हुई है अपेजमेंट की अपेजमेंट की पॉलिसी क्या है कि हिटलर जो है वो स्टेट्स पर कंट्रोल करता जा रहा था तो उसने म्यूनिक पर कब्जा किया था और उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि जिस तरह उसने हिटलर म्यूनिक पर कब्जा किया था तो दुनिया ने दुनिया खामोश थी और वो उसे कुछ नहीं कर रही थी इसी तरह जो है इंडिया के साथ कंट्रीज की जो ट्रेड है उस ट्रेड की वजह से उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई और वो कुछ नहीं कर रहे है यानी कि उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अख्तियार की हुई है सिर्फ महज वो ट्रेड की वजह से और फिर आ, आ, उन्होंने रेस्पॉन्सबल ठहराया यूएन को कि ये यूएन की रेस्पॉन्सिबिलटी है कि उन्होंने वादा किया था कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे कश्मीर में इंडियन ऑक्युपायड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपायड कश्मीर में दोनों कश्मीर में हम प्लेबिसाइड कराएंगे तो यूएन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो कश्मीर को कश्मीर में जो है वो प्लेबिसाइड कराए अवाम से राय ले। लेकिन ये जो आर्टिकल थ्री स्क्रैप हुआ है तो उससे क्या है कि पॉपुलेशन इम्पेक्ट करेगी देन उन्होंने कहा मैं थ्रेड नहीं दे रहा लेकिन जिस तरह के एनवायरमेंट चल रहा है तो क्योंकि दोनों स्टेट्स आपकी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यूक्लियर वार की और उसकी जिम्मेदारी जो है वो आ, बाकी कंट्रीज पर जाएगी क्योंकि उन्होंने कोई भी पीस इनिशिएटिव नहीं लिया तो इस, तर, इस पर उनका स्ट्रेस था ओके जी तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक खत्म होती है